तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करूंगा बिल्कुल बढ़िया होइएगा। दोस्तों अभी हम मौजूद हैं गांधी मैदान गेट नंबर 7 के पास। आप देख सकते हैं यहाँ पे खादी मॉल है और यहाँ पे एक सिनेमा हॉल भी है जिसका नाम मैं थोड़ा मिस कर रहा हूँ। इसके सामने उद्योग भवन है, आप देख सकते हैं दोस्तों, और ये काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहने वाला जगह है। दोस्तों अभी यहाँ पे आज बिहार दिवस मनाया जा रहा है। 22 से 24 मार्च तक ये कार्यक्रम चलने वाला है। इसमें बिहार के छवि को दर्शाया जाएगा कि किस प्रकार से बिहार आगे बढ़ा है। तो दोस्तों मैं गांधी मैदान के अंदर प्रवेश करता हूँ और वहाँ से आप लोगों को दिखाता हूँ जो बिहार कितना आगे बढ़ा है। तो दोस्तों अभी आप भीड़ देख रहे होंगे, कितना ज़्यादा भीड़ है यहाँ पे देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग इधर उधर घूम रहे हैं और ये बिहार दिवस समारोह देखने के लिए आए हुए थे। इसमें बिहार के हर एक चीज़ को दर्शाया जाएगा जो मतलब बिहार की प्रगति के लिए काफ़ी दिनों तक चर्चा में रहा है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं इसके आसपास में कितनी सारी गाड़ियां लगी हुई है और यहाँ पे हाई प्रोफाइल से लेके मिडिल क्लास फैमिली तक के भी लोग शामिल हुए हैं। दोस्तों मैं अंदर चलता हूँ और दिखाने का प्रयास करता हूँ जो वहाँ से किस प्रकार से समारोह दिखाई देता है। सामने आपको बिस्कोमान भवन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, ये मतलब बिहार का सबसे बड़ा भवन कहा जाता है जो पटना में स्थित है, बिस्कोमान भवन। और उसके इस साइड में आप लोग देख रहे होंगे बापू सभागार दिखाई दे रहा है दोस्तों। तो मैं इस छोटे से एक समारोह कहिए उसके अंदर मैं प्रवेश करता हूँ और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ जो किस प्रकार से दिखाई दे रहा है। तो अभी हम कुछ सेकेंड की दूरी पे हैं दोस्तों, वहाँ चलते हैं तो आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये बिहार की छवि को दर्शाने के लिए गेट ही काफ़ी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे पूरा तरीका से कारगर बिहार को दिखाया जा रहा है। तो काफ़ी शानदार तरीके से यहाँ पे भव्य समारोह का आयोजन किया गया है। दोस्तों मैं इसके अंदर चलता हूँ और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग इधर उधर सेल्फी ले रहे हैं। आप देख सकते हैं किस प्रकार से लोगों को इमेज लेने के लिए भीड़ लगी हुई है और इस गेट के ऊपर लिखा गया हमारा बिहार। तो आप देख सकते हैं हमारा बिहार, युवा शक्ति बिहार की प्रगति, बिहार दिवस 2023 मनाया जा रहा है और यहाँ पे किस प्रकार से गेट को दर्शाया गया आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ दिखाई दे रही है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पुलिस के जवानों की यहाँ पे तैनाती की गई है ताकि यहाँ पे कोई दुर्घटना न घटित हो सके। तो देख सकते हैं यहाँ पे बिहार दिवस के अवसर पर पुस्तक मेला भी लगा हुआ है यहाँ पे दोस्तों, और इसके अंदर काफ़ी सारी जो मतलब स्टार्टअप से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, साथ ही साथ बिहार के प्रगति में जो मतलब बेहद सार्थक साबित हो सकता है उस सबको दर्शाने का प्रयास किया। दोस्तों बिहार दिवस के अवसर पर पुस्तक मेला का आयोजन किया गया, मैं इसके अंदर चलता हूँ और दिखाता हूँ किस प्रकार की यहाँ पर पुस्तकें देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ इकट्ठा हो रही है पुस्तकों को देखने के लिए। दोस्तों आप देख सकते हैं कितनी सारी किताबें यहाँ पर दिखाई दे रही है। और बिहार दोस्तों काफ़ी पहले समय से ही पढ़ाई के क्षेत्र में अग्रणी रहा है। आपको यहाँ पे पर्यटन विभाग का भी झांकी दिखाया गया है, यहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से पहाड़ बनाया गया और इसके अंदर और सारी झांकियाँ दिखाई गई है। मैं वहाँ पे चलता हूँ और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करता हूँ। यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ देखने को मिल रहा है दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारे लोग यहाँ पे अंदर की तरफ जा रहे हैं। तो दोस्तों मैं उसके अंदर चलता हूँ और दिखाने का प्रयास करता हूँ किस प्रकार से दिखाई देता है उसके अंदर की झांकियाँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सबसे पहले केसरिया स्तूप को दिखाया गया है, जो केसरिया में बौद्ध स्तूप है उसको दिखाने का प्रयास किया गया है। साथ ही साथ महाबोधि मंदिर हुआ इसको दर्शाने का प्रयास किया गया है दोस्तों। और यहाँ पे दोस्तों और सारी प्रतिमाएं है जो देखने से प्रतीत नहीं हो रहा है, यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है। तो दोस्तों यहाँ नालंदा विश्वविद्यालय की प्रतिमा है आप देख सकते हैं, और इनको कौन नहीं पहचानता होगा, महात्मा बुद्ध का जो है मूर्ति लगाया गया, साथ ही साथ घोड़ा कटोरा करके कुछ लिखा हुआ है, पता नहीं क्या है। और यहाँ पे कुछ और प्रतिमाएं दिखाई गई है दोस्तों, सबके बाहर इसका नाम लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से यहाँ पे बिहार की जो भी पर्यटन के क्षेत्र हैं उन सबको दिखाने का प्रयास किया गया है। शेर शाह सूरी का मकबरा को दिखाया गया है जो दोस्तों सासाराम में मौजूद है। उसके अलावा देव सूर्य मंदिर
कहीं पे है उसको भी दर्शाया गया। अभी तो हम लोग को पता ना है, लेकिन ये सब दिखाया गया जिस वजह से देखने को मिल रहा है। और ये विष्णु पद मंदिर कहीं पे है दोस्तों, आप देख सकते हैं कितना शानदार तरीके से इस मंदिर को भी दर्शाया गया है। और आप देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ पे वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, जो बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व के नाम से है, आप देख सकते हैं उसको भी दर्शाया गया दोस्तों। काफी शानदार प्रतीत हो रहा है यहाँ पे, बाघ हाथी और हिरन से लेके जिराफ तक की छोटी छोटी झांकियां दिखाई गई है दोस्तों, आप देख सकते हैं इसमें काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। और यहाँ पे गल्लास ब्रिज रोपवे और जंगल सफारी सबको दिखाने का प्रयास किया गया दोस्तों। एक गिलास ब्रिज आप देख सकते हैं, आप राजगीर में जाके देखते हैं, पटना में ही आपको देखने को मिल रही है, देख सकते हैं गिलास ब्रिज रोपवे है दोस्तों, देख सकते हैं सामने। तो कैसा लग रहा है गिलास ब्रिज पे चढ़ के, आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा वीडियो में। काफी शानदार है गिलास ब्रिज का नज़ारा यहाँ पे दोस्तों। और उसके अलावा यहाँ पे ओढ़नी डैम है दोस्तों, आप देख सकते हैं किस प्रकार से बनाया गया ओढ़नी डैम को, और सामने मधुबनी पेंटिंग भी बनाया गया है दोस्तों। ये सब कैसा लग रहा है वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। और ये सब कुछ और सांस्कृतिक कार्यक्रम को दर्शाया जा रहा है दोस्तों। और ये भी आप देख सकते हैं लछुआरा का जैन मंदिर है, ये काफी शानदार है, सब देखने में मिल रहा है, तो देख रहे हैं दोस्तों कैसा लग रहा है वीडियो में जरूर कमेंट कीजिएगा। और काफी ज्यादा लोग यहाँ पे भीड़ भाड़ बनाए हुए हैं, और सामने विश्वमान भवन दिखाई दे रहा होगा दोस्तों, हालांकि लाइट के चलते फ्रेश नहीं दिखाई दे रहा है, लेकिन सामने विश्वमान भवन है। और यही है बिहार के पर्यटन के अग्रिम भविष्य के संसाधन, जहाँ पे अक्सर लोग आते रहते हैं, और आप भी आना मत भूलिएगा, यहाँ पे आके काफी ज्यादा हर्षोल्लास प्रतीत हो रहा है दोस्तों। आप दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार के प्रगति को दिखाया जा रहा है, कितना आगे बिहार बढ़ चुका है। आयोजन समय समय पर किया गया, विभिन्न खेलों में प्रतिभावान बालक बालिका खिलाड़ियों के चयन के लिए स्कूल स्तर पर तरंग जैसी कई शॉर्ट फिल्म को दर्शाया जा रहा है दोस्तों। यहाँ पे राजगीर से लेके जो भी मतलब बिहार में बड़े बड़े खेल के मैदान हो या जो भी चीज हो, सब दिखाने का प्रयास किया गया। सभी आवश्यक सुविधाएं सरकार खिलाड़ियों को उपलब्ध करा रही है, खिलाड़ियों का सम्मान कर मनोबल ऊंचा करने के लिए सरकार द्वारा भव्य तरीके से खेल सम्मान समारोह आयोजित कर उन्हें सम्मानित और प्रोत्साहित किया गया। इस प्रयास का परिणाम है बिहार के खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदकों और प्रतियोगिताओं में निरंतर हो रही गुणोत्तर बढ़ोत्तरी के रूप में देश के सामने आ रहा है। पिछली राष्ट्रीय प्रतियोगिता ने जितनी शान से बिहार के लड़कों ने पदक जीता है, उससे कहीं ज्यादा बढ़ चढ़ कर बिहार की बेटियों ने विभिन्न खेलों में पदक जीत कर बिहार को गौरवान्वित किया है। और बिहार में महिला सशक्तिकरण की दिशा में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में किए जा रहे सफल प्रयासों के परिणाम के रूप में, तो दोस्तों आप देख रहे हैं यहाँ पे बैरिकेडिंग लगा के लोगों को रोका जा रहा है, उधर अंदर नीतीश कुमार से लेकर जितने भी बिहार के हाई प्रोफाइल नेता लोग हैं वो सब मौजूद है, वहाँ पे जाने नहीं दिया जा रहा है दोस्तों। देख सकते हैं यहाँ पे कितने ज्यादा भीड़ है अंदर जाने के लिए, लेकिन किन्हीं को जाने नहीं दिया जा रहा है। खेल और खिलाड़ियों के सम्मान में झांकी निकाली गई, जिसमें सभी विजेता खिलाड़ियों की तस्वीरें लगी थी और बिहार में खेल के निरंतर विकास को दिखाया गया। यह झांकी इतनी उत्कृष्ट और भव्य थी कि बिहार के माननीय भैंस को नहलाने लगे और ऐसे बगर मच के नाले में पड़ गए, और आपको लैपटॉप ट्रैक सूट और सम्मान पत्र दिया जा रहा है। हम बुलाएंगे एक बालिका को ज्योति कुमारी दरभंगा से, और ज्योति कुमारी के बारे में हम आपको बताएं कि लॉकडाउन में बीमार पिता को साइकिल से 12 से 3 किलोमीटर दूर, 17 वर्षीय ज्योति कुमारी देश भर में अपनी पहचान बना चुकी है।
साइकिल गर्ल के नाम से हम जानते हैं और हमारी सरकार लगातार बेटियों को सशक्त कर रही है, मजबूत कर रही है और आप बेटियों तक भी साइकिल है और इसने प्रूफ कर दिया। जोरदार ताली ज्योति कुमारी के लिए। आपको भी लैपटॉप ट्रांसपोर्ट सम्मान पत्र माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा। और अब पल साक्षी एक और बेटी हमारे बीच में, छपरे में व्यवसायी पिता और शिक्षिका माँ की पुत्री पल साक्षी को 3 वर्ष की उम्र से ही समाज सेवा का ऐसा जुनून जगा जो दूसरे बच्चों के लिए नजीर बन गया। जी हाँ, जोरदार ताली पल साक्षी के लिए। आपने कोरोना में लोगों की मदद के लिए ऑनलाइन गीत गाया और लोगों से अपील की कि यदि उन्हें उसके गीत पसंद आए तो आर्थिक मदद करें और इस आर्थिक मदद को जब 10,000 रुपए हो गए तो आपने उसे सामाजिक कार्य में लगा दिया। तो ऐसे बच्ची के लिए, बहादुर बच्ची के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। हमारा बहुत आभार माननीय मुख्यमंत्री जी को और साथ ही सभी अतिथि वृंद का बहुत आभार प्रकट करते हैं। तो हम लोगों को तो अंदर नहीं जाने दिया गया है, तो दोस्तों हम यहीं से वीडियो को समाप्त करते हैं और क्या कह सकते हैं, मतलब सामने नीतीश कुमार और तेजस्वी प्रसाद यादव हैं, फिर भी वहाँ पर पुलिस बैरिकेडिंग लगा के अंदर नहीं जाने दिया जा रहा। तो दोस्तों काफी सारे हमारे जैसे लोग हैं जो मतलब यहाँ पे देखने के लिए आए थे, वो लोगों को तो आप देख सकते हैं पूरे बिहार को नौकरी देने की बात कर रहे हैं नीतीश कुमार। कह रहे हैं अगर बिहार के कोई भी खिलाड़ी ओलंपिक में मेडल लेके आते हैं तो उसको नौकरी दिया जाएगा। तो ये काफी ज्यादा यहाँ पे भीड़ भाड़ देखने को मिल रही है दोस्तों। तो दोस्तों हम यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट ब्लॉग में कहीं और जाते हैं तो आप लोगों के सामने वीडियो लाने का प्रयास। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ लाइक कर दीजिएगा और अच्छा लगेगा तो दोस्तों से शेयर भी कर दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।